कहीं छो आओ गुजराती सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एलपीटी टेस्ट में आने वाले गुजराती पैसे सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाथी मधुमक्खी थी भरे ली थैली पीठ पर मुकी, यानी कि हाथी ने मधुमक्खियों से भरी हुई थैली को पीठ पर रखा। ते वांद्रा ना रहठाण पासे पहुंचो, वो बंदर के निवास स्थान पर पहुंचा। रहठाण यानी निवास स्थान। वांद्राए हाथी ने अने तेनी पीठ पर नी थैली जोईने खुश थई गयो। बंदर हाथी को और हाथी की पीठ पर रखी हुई थैली को देखकर खुश हो गया। पहला नी माफक अज ते फरी हाथी नी पीठ पर जई बैठो, पहले की तरह वो हाथी की पीठ पर जाकर बैठ गया। तेने थयु थैली मा गोड़ हशे, उसे लगा कि थैली में गुड़ होगा। वांद्रा ए थैली ना मोनी दोरी खोली, खावा माटे हाथ नाक्यो। बंदर ने थैली के मुंह की डोरी खोली और खाने के लिए अंदर हाथ डाला। घना लांबा समय थी अंदर पुरायली मधुमक्खियों फुहारानी जेम थैली माथी उड़ीने डंक देवा लागी, यानी कि बहुत समय से अंदर भरी हुई मधुमक्खियां फवारे की तरह थैली में से उड़ने लगी और डंक मारने लगी। वांद्राए पीड़ा थी भूमो पाड़ी यानी कि चिल्लाने लगा। बंदर दर्द से चिल्लाया, हाथी भाई मने जल्दी नीचे उतारो, हाथी भाई मुझे जल्दी नीचे उतारो, मारी भूल थई गई, मुझसे गलती हो गई। हवे क्यारे पण चोरी नहीं करूं, अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। हाथी नीचे बैठो इटले वांद्रो पीठ पर थी उतरी गयो। हाथी नीचे बैठा और बंदर पीठ से उतर गया। तो ये था आज का पैसेज। तो अब इसके प्रश्न उत्तर हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाथी पहला वांद्रा माटे शू लावतो हशे, हाथी पहले बंदर के लिए क्या लाता होगा। तो इसके अंदर जैसे कि तैने थयू थैली माँ गोड़ हशे, बंदर को लगा कि ये थैली में गुड़ होगा, तो इससे पता चलता है कि वो बंदर के लिए गुड़ लाता होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के उत्तर में आएगा, हाथी पहला वांद्रा माटे गोड़ लाव तो हशे, हाथी पहले बंदर के लिए गुड़ लाता होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, आ वक्ते वांद्रा माटे हाथी शू लाव्यो, यानी कि इस बार हाथी बंदर के लिए क्या लाया। तो इसका उत्तर पहली लाइन में ही है कि हाथी ये मधुमक्खी थी भरेली थैली पीठ पर मुकी, तो मधुमक्खियाँ लेके आया था हाथी। तो इसका उत्तर होगा, आ वक्ते वांद्रा माटे हाथी मधुमक्खी थी भरेली थैली लाव्यो, यानी कि हाथी बंदर के लिए इस बार मधुमक्खियों से भरी हुई थैली लाया। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाथी ये वांद्रा भाई ने शानी सजा आपी, यानी कि हाथी ने बंदर भाई को किस बात की सजा दी। तो इसमें बताया गया है कि बंदर बोलता है कि मारी भूल थई गई, हवे क्यारे पण चोरी नहीं करूं। इससे पता चलता है कि हाथी ने चोरी की सजा दी थी बंदर को। तो इसका उत्तर होगा, हाथी ये वांद्रा भाई ने चोरी नी सजा आपी, यानी कि हाथी ने बंदर भाई को चोरी की सजा दी। अगला चौथा प्रश्न है, वांद्रो हाथी ने पीठ पर ती केवी रीते उतरियो, यानी कि बंदर हाथी की पीठ से कैसे नीचे उतरा। तो इसका उत्तर लास्ट लाइन में है कि हाथी नीचे बैठो इटले वांद्रो पीठ पर ती उतरी गयो, यानी कि हाथी नीचे बैठा और बंदर उसकी पीठ से उतर गया। अगला पांचवा प्रश्न है कि तमने आ फकरा माथी हाथी अने वांद्रा माथी कौन गम्यो, तुम्हें इस पैराग्राफ में से हाथी और बंदर में से कौन पसंद आया। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मने आ फकरा माथी हाथी बहु गम्यो,
मुझे इस पैराग्राफ में हाथी बहुत पसंद आया। और अगर आप हाथी की जगह बंदर को पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मने अफक्रामा बांद्रो बहुगम्यो। तो ये था आज का गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो ये था आज का गुजराती पैसेज। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और एलपीटी टेस्ट में आने वाले अलग अलग टॉपिक पर हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।